चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं गैल्वेनिक सेल के बारे में। मेरा नाम है रविशंकर और आपका आप सभी का इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। गैल्वेनिक सेल क्या होता है? इट्स अ सेल जिसका काम होता है, इसका काम है जो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, इस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, ये इसका काम है। मतलब गैल्वेनिक सेल इज अ डिवाइस विच इज यूज टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहां पे एक छोटा सा डायग्राम मैंने दिखा रखा है गैल्वेनिक सेल का। चलिए समझते हैं इसको। देखो ये क्या है, ये एनोड है। एनोड पे मैंने जिंक लगा दिया है तो ये हो गया एनोड, और ये कैथोड है, इधर मैंने कॉपर लगाया है। मेनली आपको क्या करना है, जब भी आप कोई सेल बनाते हो तो जो कैथोड वाली साइड में आप इलेक्ट्रोलाइट और मेटल वगैरह ले रहे हो तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा होना चाहिए। रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, ये एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने का। ठीक है, हमारे पास अगर दो चीजें यहां पे कंपेयर करें, एक है जिंक 2+, तो ये अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ये जिंक में कन्वर्ट हो जाएगा, और एक है कॉपर 2+, अगर ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो ये कॉपर बन जाएगा। बेसिकली रिडक्शन वैल्यू दिखाइए, और इसका रिडक्शन देखो क्या होता है, इसका होता है -0.76 और इसका होता है +0.34। तो आप देख पा रहे हो कि इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू वो ज्यादा है, तो इसलिए हमने इसको कैथोड पे लेके गए हैं, और इसका कम है तो ये एनोड पे। जो जिसका भी ज्यादा हो कैथोड बनेगा और जिसका कम हो वो एनोड बनेगा। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। ये हमारा यहां पे होगा क्या, ये हमारा जो इलेक्ट्रोड है यहाँ पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली इधर क्या होगा, जिंक इलेक्ट्रोड जो है सॉलिड फॉर्म में, ये आपका ये जिंक 2+ में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, एक्वस, और दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो मेनली यहां पर इस कंटेनर में इलेक्ट्रॉन आ गए ऐसे, और ये इलेक्ट्रॉन अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन अगर हम ट्रेवल करवा देते हैं किसी वायर के थ्रू में तो ये इस तरफ पहुंच जाएगा, और यहाँ पे मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और आपको मालूम होना चाहिए कि अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो इससे करंट प्रोड्यूस होता है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हम इधर से इधर करवाना चाहते हैं तो इसके लिए क्या चाहिए कि इधर जो आपने इलेक्ट्रोड लिया है उसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, तो हमने कॉपर लिया हुआ। तो यहां पर क्या है कि जैसे ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर में कॉपर 2+ है, इस तरीके से कॉपर 2+ दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। तो रिएक्शन क्या बनेगा, Cu2+ दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और बेटा ये कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से ये रिएक्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। मतलब एनोड पे ये ऑक्सीडेशन हुआ है और कैथोड पे रिडक्शन हुआ है, दोनों को साथ में लिख देंगे तो हमारे पास नेट रिएक्शन आ जाएगा। ठीक है, देखो नेट रिएक्शन लिखने के लिए क्या करना है, दोनों को साथ में लिख दो तो दोनों का ऐड करना है। ठीक है, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से ऐड कर दो, राइट साइड को राइट साइड से ऐड कर दो, कुछ कट रहा है तो काट दो। तो इधर ये हो गया जिंक, और जिंक सॉलिड है। इस साइड देखो यहां पर है कॉपर, कॉपर 2+ एक्वस हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कट चुका होगा बेटा। ये हो गया Zn2+, और यहां पर ये एक्वस है, और ये चीज हो गया हमारे पास कॉपर, कॉपर सॉलिड। ठीक है, तो ये रिएक्शन हमारे पास बन के आ गई बेटा, ये रिएक्शन हमारे पास आ गई इस तरीके से। ठीक है, ये रिएक्शन हमारे पास बन गए, क्लियर है। तो ये फाइनल रिएक्शन होगी इसकी। अब यहां पर देखो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे चला गया, तो इससे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से किधर है, एनोड से कैथोड। करंट का जो फ्लो होता है अपोजिट डायरेक्शन होता है, तो कैथोड से एनोड हो गया। ठीक है, यहां पे बेसिकली मैंने एक साल्ट ब्रिज लगाया हुआ है। साल्ट ब्रिज का काम क्या है, सेल को इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। यहां दूसरी चीज देखो, यहां पर क्या होता है कि जब यहां से इलेक्ट्रॉन जाता रहेगा इस साइड में, ये जो जिंक 2+ का एक्यूमुलेशन होने लग जाता है, जिंक 2+ का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन चले गए, जिंक 2+ बचा हुआ है। यहां से कॉपर 2+ इधर जाते जा रहे, तो यहां पर सल्फेट का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। तो बेसिकली यहां पर देखो, इधर जिंक 2+ का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, इधर सल्फेट का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। अब ये कंसेंट्रेशन इतना ज्यादा हो जाता है कि ये इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं कर पाएगा, इसकी वजह से सेल वर्क करना बंद कर देगा। तो हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि भाई कोई एक ऐसा डिवाइस, ऐसी कोई चीज लगाया जाए जो कि ये दोनों ही जिंक और सल्फेट दोनों को एक साथ में वैनिश आउट कर दे। तो बेटा जैसे सॉल्ट ब्रिज है, सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है,
ये जो एक्सेस आयन है इसको खत्म करना। सॉल्ट ब्रिज यहाँ पे जो एग्जांपल लिया हुआ है, हमने KCl का एग्जांपल लिया है, K प्लस और Cl माइनस, ये सबसे अच्छा सॉल्ट ब्रिज माना जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों का जो साइज है लगभग बराबर है, तो आयनिक मोबिलिटी बराबर रहेगी, इनका मूवमेंट बराबर रहेगा। तो बेसिकली होगा क्या, ये जो Cl माइनस है इस इधर से होते हुए ये यहां से इसके साथ में कॉम्प्लेक्स बना के खत्म कर देगा, और जो के प्लस है वो इस साइड जाएगा और के प्लस के टू एसओ फोर बना के सल्फेट को खत्म कर देगा। क्लियर है बेटा? तो ये हमारा सॉल्ट ब्रिज का काम क्या हुआ, सेल को इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करना और ये इंश्योर करना कि सेल वर्क करता रहे, ठीक है, सेल में एक इक्विलिब्रियम रीच ना हो, ये सब चीजें आ जाती इसमें। उसके बाद इसमें सेल का पोटेंशियल, स्टैंडर्ड पोटेंशियल निकाला जाता है। तो सेल का स्टैंडर्ड पोटेंशियल देखो कैसे निकलेगा, दैट इज ई नॉट सेल, ई नॉट सेल होता है इक्वल टू में ई नॉट कैथोड माइनस में ई नॉट एनोड। अब ये कैथोड और एनोड क्या है बेटा, कैथोड और एनोड, जो कैथोड पे आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया वो, और एनोड पे जो आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया वो, ठीक है। जैसे कि इस वाले केस में कैथोड पे हमने क्या लिया, हमने लिया कॉपर, तो कॉपर टू प्लस का रिडक्शन, कॉपर टू प्लस से कॉपर, माइनस एनोड पे लिया हमने जिंक, तो जिंक टू प्लस से जिंक, तो ये रिडक्शन यहाँ पे ले लिया हमने। तो कॉपर टू प्लस से कॉपर की जो वैल्यू थी वो 0.34 है और उसका 0.76, तो यहाँ पे बेटा जी ये वैल्यू डाल देंगे 0.34 माइनस माइनस 0.76, इसको आप ऐड कर देना तो 1.10 वोल्ट, ये इसका ई नॉट सेल आ गया। एक चीज का ध्यान रखना है, जो ई नॉट सेल की वैल्यू होती है ये कभी भी नेगेटिव नहीं आती, जीरो आ सकती है बट कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी, ठीक है। जब कभी मान लो अगर नेगेटिव आ रही है, दैट मींस यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने ये वाली चीज उधर ले ली, उधर वाली चीज इधर ले ली, ठीक है। तो ये गैल्वेनिक सेल होता है, डेफिनेशन बहुत सिंपल सा चीज था। देखो एक केमिकल, ये केमिकल रिएक्शन हुआ, इस केमिकल रिएक्शन की एक ना एक एनर्जी होती है, उसी एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना इज ये काम है हमारे गैल्वेनिक सेल का। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, धन्यवाद।